हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहां पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं क्या क्लास 10 साइंस का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। मैं इस तरह के और भी आप लोग को 3-4 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मैं जो यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं का दोनों की तैयारी कराता हूँ। तो आप इस चैनल में अगर न्यू है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कुछ दिन पहले अभी जो है हाल में जो 12वीं का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में जो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मेरा भाई जो है 10 क्लास में पढ़ता है उसकी तैयारी कर रहा है। वो इसलिए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि 12 क्लास को मैं जितने भी पढ़ाया हूँ तो काफ़ी सभी लोगों का जो है एग्ज़ाम जो काफ़ी अच्छा गया है। बोल रहे हैं सभी को कि मेरा वीडियो से देख करके वो एग्ज़ाम दिए हैं, सभी क्वेश्चन जो मेरे वीडियो से आए हैं। इसलिए मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है 10वीं क्लास का भी वीडियो बनाइए ताकि मेरे भाई जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ पाए आपसे, और आपके जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा फुल्ली आ जाते हैं। इसलिए मैं उन्हीं लोगों के कहने पर जो है 10 क्लास की क्वेश्चन को शुरू किया हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख पा रहे, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे एक का क्या हो जाएगा, एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है काफी इजी क्वेश्चन है, और मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तो एक बार दोबारा इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा, देखिए ध्यान से कह रहा कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं अवतल दर्पण। काफी इजी क्वेश्चन ये भी है और काफी बार ये पूछा जाता है, तो क्या होगा, दो का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री करा, देखिए करा कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है तो क्या जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं दो होती है। कितनी होती है तो दो होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा है, क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे तो फाइव का क्या होगा, फाइव का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अभिंदुकता, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अभिंदुकता। तो आप लोग को और बता दें कि किसी तरह का आंसर अगर देने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ तो किसी तरह का किसी कहीं पे भूल जाते हैं, मिस्टेक होती है बोलने में या फिर किसी क्वेश्चन को पढ़ने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख दूंगा। तो आप लोग उस चीज़ की चिंता ना करें, या फिर अपने से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपने से मिला लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ उल्टा उल्टी तो आप लोग वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनाने में इतने सारे क्वेश्चन जब साथ में रिकॉर्डिंग होती है तो पता नहीं चल पाता क्या बोला जाता है नहीं बोला जाता है, वैसे मैं आप तो पूरा ध्यान रखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करा कि निकट दृष्टि वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी अवतल लेंस, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कराया, देख पाएंगे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो किस लेंस का व्यवहार होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखिए ऑप्शन ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, सेवन का आप पता होगा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर एट कराया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा दिया प्रतिवर्ती या दोनों, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाना चाहिए, नहीं दोनों धाराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन कराया, क्या कराया, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का जो है ऐसा ही मात्रक क्या है। तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देख लीजिए ध्यान से, तो क्या जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट, क्या होगा, नाइन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस कराया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ये भी काफ़ी इंपोर्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, नरम लोहा, ऑप्शन उस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नरम लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है, यानी क्या होता है, घटता बढ़ता या फिर क्या कहते हैं, बढ़ता घटता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं बढ़ता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, उसको जनित्र कहते हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का जिनको जनरेटर कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान कर रहा है, ध्यान से देखिए कि फॉलोइंग के वाम हस्ते नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो किसकी दिशा को संकेत करता है, तो क्या होगा, 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी बल का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 14 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विद्युत ऊर्जा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का है कि नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, यानी क्या आवश्यक यहाँ पे किया जाता है नाभि की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अगर ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए, तो 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या कर रहा है देखिए
कि इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, कोयला है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस है। तो यहाँ पे नवीकरणीय पूछ रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, 16 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय। आप लोग समझा देते थोड़ी देर डिटेल में कि नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, और अनवीकरणीय ऊर्जा उसको कहेंगे जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना, जैसे कोयला जो है, पेट्रोल या कभी भी समाप्त हो सकता है जब इसकी सीमित खत्म हो जाएगी, बट अनवीकरणीय मतलब इसकी कोई सीमित नहीं है, मतलब इसमें जो अनंत है इसका कोई यह नहीं है कि जैसे पानी हो गया इसका कोई अंत नहीं है, जैसे हवा हो गया, सूर्य हो गया, इसका जो कोई अंत नहीं है। इस प्रकार की क्रिया को मतलब ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा, देखिए ध्यान से कि भोजन का पचना तथा पकाना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अच्छी तरह से ध्यान से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, तो 17 क्या होगा, 17 ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण, यानी जिसको हम कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं उसको? उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, क्या कह रहा है कि CaCO3 और ये जो है CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफ़ी उम्र क्वेश्चन है, ये भी पूछा था कई बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक साथ बना हुआ बट तीर के चिन्ह के बाद ये क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाने की बात है कि हमारा अलग होता है, अलग नहीं टूटना को हम क्या कह सकते हैं, अपघटन कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अपघटन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पदार्थ था, एक पदार्थ CO3 होते हैं, यहाँ पे दो पदार्थ अलग अलग बन गए यानी टूट गया, इसको हम अपघटन कहते हैं या फिर विघटन भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपघटन दिया हुआ, तो ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए ध्यान से, कहा कि श्वसन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 19 का क्या होगा, 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। क्या होगा ये? उपचयन। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे, और भोजन का पचन क्या होगा, अपचयन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे श्वसन के दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ये भी ऊष्मा भी हो सकता है आपका। क्वेश्चन है 20 करा कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही है। तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया जो मतलब नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। सी मतलब 2CU+O बराबर 2CuO बनता है, तो अब यहाँ पर जो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, कॉपर का ऑक्साइड या फिर कॉपर का अवकरण होता है या फिर कॉपर का नाइट्रेशन होता है, या ए बी दोनों होता है। तो क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। यूँ क्योंकि कॉपर जो है यहाँ पे किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और ऑक्सीजन के मिलने के साथ क्या होता है, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है अम्लीय पदार्थ है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, अम्लीय पदार्थ पूछता है, और पता होना चाहिए आप लोग को अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी जिसका पीएच मान 7 से कम हो। ठीक है, उसको पदार्थ हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। बट जिसका पदार्थ जो होता है उसका पीएच मान अगर 7 से अधिक हो, यानी जो पदार्थ का जो स्वाद में अगर उसको देखेंगे तो उसको कड़वा टाइप का हो, ठीक है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अम्ल पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नारंगी का रस जो है, ये आप लोगों को पता होगा, चखे होंगे तो ये क्या होता है, मतलब खट्टा होता है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, यानी नारंगी का रस क्या होगा, ये अम्लीय पदार्थ होगा। बाकी सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा, साबुन, ये सब क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन स्वाद में कड़वा होता है, आप लोग अगर चखे होंगे कभी तो पता चला होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 का देखिए कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है। अब देखिए अम्लीय, आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दें, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन लवण है। अब यहाँ पे लवण की बात आती है, तो लवण आप लोग बता दें, लवण उसको कहते हैं जब कोई जो है पदार्थ अगर अम्ल को हम अगर क्षारीय से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अब अम्ल और क्षारीय जब आपस में मिल जाएगा अभिक्रिया करने के बाद, जो नया पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को वहाँ पर लवण बनता है, साथ में उसका जल भी बनता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया पूछा था कि ऐसी अभिक्रिया क्या कर ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, उदासीनकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पे उदासीन उसमें ध्यान नहीं देना है, हमको पूछते हैं यहाँ पे कौन लवण है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे चार ऑप्शन को ध्यान से दें, तो 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी K2SO2 ये जो क्या है, लवण है। अब लवण देखिए यहाँ पे कैसी है, लवण हो गया, अब HCl एक अम्ल है, पता होगा आप सभी को, और Na जो है OH, और OH जो है किसका पहचान है, ये हाइड्रोऑक्साइड का पहचान है। ठीक है, और लवण का आप लोग मतलब सॉरी क्या कहते हैं, अम्ल का आप लोग ये पढ़े होंगे कि अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं जो ऑक्सीजन में मतलब सॉरी जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, बट यहाँ पे कौन सा आयन है, ये हाइड्रोऑक्साइड आयन है, और हाइड्रोऑक्साइड आयन किस में देता है, वो क्षारीय में देता है। ठीक है, ये ऑक्साइड कौन सी किस में देता है, क्षारीय में देता है। बाकी यहाँ की एक धातु है, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन अम्ल की मतलब ये कब बनेगा, जब किसी अम्ल के साथ किसी धातु का मिला हुआ, तब हम उसको लवण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम NaCl, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 को दोबारा हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
निम्नलिखित में कौन जो है लवण है, ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, तो HCl NaOH और K2SO4, तो NH4OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है K2SO4। बाकी जो है आपको पता होगा HCl जो होता है ये क्या होता है, एक अम्ल है, बाकी NaOH ये क्या है, क्षारीय है, क्योंकि क्षारीय आप लोग लवण का डिफिनेशन पढ़े होंगे कि अम्ल का डिफिनेशन, अम्ल उस पदार्थ को जो जल में घुलने के बाद क्या होता है हाइड्रोजन आयन देता है किसी पदार्थ के साथ मिलने के बाद, और ये जो क्षारीय जो था वो क्या देता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है, बट यहाँ पे क्या है OH, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है और ये भी OH है, ये भी हाइड्रोक्साइड, मतलब ये दोनों क्या है क्षारीय है, ठीक है। NH4OH ये भी क्षारीय है, NaOH ये भी क्षारीय है, बाकी ऐसे लेके एक अम्ल है, तो मतलब यहाँ पे पूछता है कि लवण कौन सा, तो लवण क्या होगा K2SO4। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 करा, देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, तो 24 का क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी 12H22O11, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C12H22O11 ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए क्या कह रहा है कि सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, यानी सक्रियता श्रेणी में जो सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 25 का क्या होगा, 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी Na, क्या होगा Na, कभी कभी अलग अलग पदार्थ में जो है वो अलग अलग क्रियाशील दर्शाया जाता है, जैसे जल में कुछ अलग होता है, लवण में कुछ अलग होता है, अम्ल में कुछ अलग होता है, तो यहाँ पे पूछता है सक्रियता श्रेणी में, तो सक्रियता श्रेणी में क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए कह रहा है कि इनमें जो है इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, तो ये ध्यान से ऑप्शन को पूछ रहा है, ध्यान से ऑप्शन को देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी अधातु है जो चमकीला होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रोमीन जो है क्या है चमकीला अधातु है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूछा जा सकता है कभी कभी, तो यहाँ पे क्या होगा ब्रोमीन एक ऐसा चीज़ है जिसको इसमें कुछ जो है धातु के ही गुण पाए जाते हैं, तो ब्रोमीन क्या है चमकीला धातु है, बाकी यह जो और एक भी आयोडीन भी कभी कभी देखने को मिलेगा आप लोग को, तो यहाँ पे आयोडीन भी हो सकता है, ऐसे तो ब्रोमीन धातु पूछेगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है अधातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे चमकीला धातु भी आयोडीन धातु के अंतर्गत गिना आता है, बाकी आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं, ब्रोमीन यहाँ पे मैं कन्फर्म हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए क्या कह रहा है कि लोहे का परमाणु संख्या, ये काफ़ी इंपोर्टेंट 26 नंबर जो बताया आपको ना, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 का कि लोहे का परमाणु संख्या है, यानी कितना होता है लोहे का परमाणु संख्या, तो आपको पता होगा पढ़े होंगे, तो 26 होता है इसका, यानी बी हो जाएगा, 27 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 28 का देखिए, निम्न में कौन जो कार्बन के अपरूप है, अपरूप है ऑप्शन को देखिए, कौन कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, उसके बाद फ्लोरीन, उपयुक्त सभी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों आप लोग दो सुने होंगे, ग्रेफाइट और हीरा, बट फ्लोरेनिन है ये भी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 29 कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ सक्रिय कर देता है, क्या देखिए ध्यान से ऑप्शन को, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एथाइन, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है, एक बार ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए, तो 30 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 31 का क्या होगा, 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी दो, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए, तो 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी वाष्पोत्सर्जन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है एक पता होगा आप लोग पढ़े होंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एनीमिया होती है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी खून रक्त की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठर रस में क्या पाए जाते हैं, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ऑप्शन को, तो यहाँ पे क्या जाएगा, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सेस्लमा क्या कहते हैं, स्लेस्मा,
सेलेस्मा और क्या कहते हैं पेप्सिनोजेन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी। चले क्वेश्चन नंबर 36 करें, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी याद काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन है, तो क्या जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 37 का ध्यान ध्यान से करा कि न्यूरोन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, न्यूरोन के केंद्रक जो कहाँ पर उपस्थित होता है, ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिए। 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका काय साइटोन में। चले आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन उसके बाद 38 कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो कौन सी है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगी, यानी लीवर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि इनमें से जनन ग्रंथि कौन है, इनमें से जनन ग्रंथि जो है कौन सी है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी ये दोनों है जनन ग्रंथि, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकालिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा क्या है कि शुक्राणु बनता है, यानी शुक्राणु जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 41 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विरसन में, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में जो कौन परिवार नियोजन की प्रक्रिया विधि है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जीवों की उपस्थिति से पहले पृथ्वी पर जो है क्या नहीं था, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, क्या नहीं था उस समय, तो 43 का क्या होगा, 43 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है नहीं था, CO2, O2, NO2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि रुधिर वर्ग ओ का जीवन होता है, यानी देखिए ध्यान से, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 44 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं अप्रभावी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्या होगा उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सूर्य, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का खड़ा ध्यान से सुनिए कि इनमें जो है कौन अपमार्जक के उदाहरण है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, कौन जो अपमार्जक के उदाहरण हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, 46 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 करा है कि यूरो 2 का संबंध है किससे संबंध है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण से, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी उत्तराखंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए ध्यान से चार ऑप्शन दिया हो किसान में, तो ये जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो अच्छी तरह से देखने के बाद फिर दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। तो फर्स्ट क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आभासी, उत्तल दर्पण में जो किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, यानी मतलब इसका एक क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के अवतल लेंस में आवर्धन जो एम बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आवर्धन एम बराबर क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे चार दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी वी बाई यू, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 3 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 नियम है, कितने नियम है, तो 2 नियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा देखिए कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं निर्गत कोण कहते हैं, क्या कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर पाते हैं, यानी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए पे, कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने नेत्र मतलब नेत्र को दान नहीं कर पाएंगे क्या कमी के कारण, तो देखिए 5 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एड्स से पीड़ित व्यक्ति, क्या होगा एड्स प्रीत व्यक्ति जो भी होते हैं वो नेत्रों को दान नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन व्यवस्थित करा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी वह क्या है, तो ध्यान से एक बार ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो है रेटिना है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है रेटिना है, रेटिना हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया कि नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण के वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह कौन सा मतलब कैसा दिखेगा, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 7 का क्या होगा 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, काला हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो 8 का क्या होगा 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा यानी जूल, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होती है यानी ऑप्शन में सूचन का बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करा है, क्या करा देखिए ध्यान से करा कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है किससे की जाती है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 9 का राइट की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यानी ए मीटर, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 करा क्या करा देखिए ध्यान से सुनिए, करा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध जो है 55 क्या कहते हैं ओम है तथा 220 वोल्ट के स्रोत सॉरी एक बार हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, हाँ अब दिखाई पड़ा आप लोगों को क्या कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 250 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान जो है क्या होगा, एक बार ऑप्शन को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पीयर होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 करेगा विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से ऑप्शन को, विभव अंतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी वोल्टमीटर, क्या कहते हैं वोल्टमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, सॉरी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो जो आरोपित बल का परिमाण जो होता है वो क्या होता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अधिकतम होता है, क्या होता है अधिकतम ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएँ हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है, अच्छी तरह ऑप्शन देख लिया, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा जो है किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यानी चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करा है, क्या करा देखिए ध्यान से करा है कि बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा जो प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यानी दिष्ट धारा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है, क्या करा देखिए ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत के स्रोत जो है किसे माना जाता है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है किसे माना जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सूर्य, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य यानी ये जो है 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 कह रहा है कि अगर देखिए ध्यान से कि सूर्य के प्रकाश में हमें जो हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें क्या विकिरण उपस्थित है, ऑप्शन के बाद देख लीजिए ध्यान से। तो 16 का क्या होगा, 16 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जाएगी नहीं, क्या हो जाएगा अवरक्त विकिरण, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण। चाहे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 17 का क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अनुत्क्रमणीय, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर क्या कहते हैं कंपोस्ट बनाना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 18 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी यानी उष्माक्षेपी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है, क्या करा कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं जो है क्या होता है, तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को दिख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या होती है, तो यह धुआं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि नींबू में जो है किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पूछा जा सकता है नींबू में जो किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो 20 के करोगे 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा सिट्रिक अम्ल, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है, क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले रेडिएशन के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार मैं भी रिपीट कर चुका हूँ पहले, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, पता होगा किसी को, उसको अम्ल कहते हैं यानी 21 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं अम्ल, जो पदार्थ खट्टा होता है जो नीले रेडिएशन को लाल कर देता है तो उसको क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं। इसका पीएच मान अगर पूछा जाए तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो वो पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं, जिसका 7 से अधिक हो उसको क्षारीय कहते हैं। क्वेश्चन 22 करा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो लगभग होता है यानी किसके बराबर होगा, 11 12 13 या फिर 14, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 14, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज्यादा पूछा गया है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से बार ये जितने भी क्वेश्चन करूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। तो 22 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो कैसा होता है, एक अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी यानी भूरा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 24 का देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन 24 से लगे, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकलता है, यानी कहाँ से निकला आता है ये जो लिटमस रंजक जो है वो बैगनी रंग का होता है, वो जो निकला आता है कहाँ से, तो ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो 24 का क्या होगा, 24 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाइकेन, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए, कह रहा है कि निम्न में जो कौन अधातुएं हैं, निम्न में से जो कौन जो अधातुएं हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए, जेड एन एफ ई एम जी या फिर एच। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 25 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन पता होगा आपको, एच जो है ये हाइड्रोजन का जो है ये क्या एक अधातु है, बाकी एम जी मैग्नीशियम पता होगा आपको ये धातु है, जेड एन जिंक ये भी धातु है, एफ ई लोहा फेरम ये भी क्या एक धातु है। तो ऑप्शन क्या होगा, इसको ए हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन है गैस है कुछ जो कि अधातु के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 26 करेगी, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, आप अच्छी तरह से एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, इनमें से कौन सा धातु है जो जल में अगर डालेंगे तो वो तैरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए तैरेगा, तो ये कैल्शियम को डालने पर वो तैरता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 26 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलाइए क्वेश्चन नंबर 27 करेगी, लोहा में लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्या जाएगा यहाँ पे चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो सदस्य का ऑप्शन नंबर बी जगनी गैल्विनीकरण, यानी जिसको हम यशदनीकरण भी कर सकते हैं इसको, तो गैल्विनीकरण ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि कार्बन क्या है, कार्बन जो है क्या है, धातु है अधातु है उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगी 28 का ऑप्शन की बात करेंगे, तो 28 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे कार्बन अधातु है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से, चीनी का रासायनिक सूत्र या फिर ग्लूकोज का रासायनिक, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी यार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो 29 का क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, C6H12O6 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कराया क्या करा, देखिए करा कि मिथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मिथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 30 का राइट ऑप्शन बात करना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फॉर्मिक अम्ल, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 31 कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व जो कौन सा है इनमें से, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यानी एच ई, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 का क्या कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या जाएगा 32 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बढ़ता है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कराए क्या कह रहा है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको कहते हैं डायलिसिस मशीन, ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या जाएगा 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाए सॉरी डायलिसिस हो तो रक्त को ये करने के लिए क्या इस क्या कहते हैं स्फाइग्मो मेनीमीटर, ये जो रक्तचाप को मापा जाता है, डायलिसिस तो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया अंदर में होती है उसको कहते हैं डायलिसिस, तो वहाँ पे डायलिसिस वो प्रक्रिया कहलाती है, वो डायलिसिस अलग चीज़ है। ये जो क्या कहते हैं स्फाइगो मेनोमीटर, ये जो है क्या कहते हैं रक्तचाप को मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जाएगा, जो भी इंसान को मतलब जो परिसर अंदर दिखाता है जिसको उसी को हम कहते हैं रक्तदाब, जिससे आप लोग मापे होंगे अपने डॉक्टर के पास जाकर के अपना अपना परिसर, तो उसको मापा जाता है किसके, तो स्फाइगो मेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ तो 33 हो गया, आप 34 क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिए ध्यान से कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, इनमें से देखिए ध्यान से। तो क्या जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी फेफड़ा जो है इसका मुख्य श्वसन अंग कहलाता है मनुष्य का, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, आप लोग नाक नहीं लगाइएगा, फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट ये भी पूछा जा सकता है आपको, मुख ग्वास यानी मुँह से शुरू होती है। 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करा देखिए, क्लोरोफिल वर्णकर रंग है यानी किस तरह होता है, हरा नीला लाल सफ़ेद, काफ़ी जो इजी क्वेश्चन है, हरा होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का क्या कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपतन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, एक बार देख लीजिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडुला, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 37 का ऑप्शन नंबर बी मेंडुला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए कह रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, इनमें से जो कौन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छी तरह सब लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी ऑक्सीन, क्या होगा ऑक्सीन जिसको कहते हैं हम, तो यहाँ पे ऑक्सीन दिया हुआ है, तो ऑक्सीन क्या होगा, ये जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि यदि हमारे आहार में
आयोडीन की कमी है तो ऐसी क्या कहते हैं तो हमें किस रोग की संभावना है, तो देखिए एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो इजी क्वेश्चन है, बट आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो है घेंगा होता है, बाकी क्या कहते हैं गलगंड है, और ये सभी तो यहाँ पे इनमें सभी भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 39 क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कराए कि इनमें निम्नलिखित जीवों में जो है किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जीवों में जो किसमें अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन देख लीजिए। तो 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यीस्ट क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, क्या कह रहा है कि अड़हुल जो है किस प्रकार का फूल है, और होल जो है किस प्रकार का फूल है, एक बार ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह। तो 41 क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी द्विलिंगी, क्या होगी ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करो, देखिए ध्यान से कह रहा है कि प्राग कोष में होते हैं, प्राग कोष में जो है होते हैं क्या होते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी प्रागकण होते, क्या होते हैं प्रागकण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है उसको क्या कहते हैं, देखिए जीन या फिर क्रोमोसोम डीएनए या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 43 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जीन कहते जाते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 करा कि सर्वप्रथम जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीवों के कारण हुई थी, तो एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग। तो 44 क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जाएगी, नहीं नीला हरा सहवाल क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ओजोन परत जो पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे चार ऑप्शन जो है दिए हुआ क्वेश्चन में, तो 45 क्या हो जाएगी, 45 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी शैवाल जलीय कीट एवं मछली, सॉरी एवं नहीं मतलब क्या कहते हैं वो शैवाल होगा उसके बाद जलीय कीट होगा उसके बाद मछली, ये जो क्या है निम्न में एक जलीय आहार श्रृंखला है। कहने का अर्थ ये है कि शैवाल को जो जल खाता है, जलीय कीट खाता है, और जलीय कीट को कौन खाता है, मछली खाता है, तो एक श्रृंखला क्या है जल का है। बाकी जो घास बकरी से तो स्थल का हो गया, घास जलीय कीट मछली और मनुष्य, तो यहाँ पे मनुष्य जो है फिर मनुष्य कहाँ का हो जाएगा, स्थल का हो जाएगा, बाकी घास जो है ये फिर स्थल का, हाँ समुद्र भी हो सकता है बट यहाँ पे मनुष्य क्या हो जाएगा स्थल का हो जाएगा, घास मछली मनुष्य ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्थल का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, सिर्फ जल का पूछा, तो शैवाल भी जल में पाया था, जलीय कीट भी जल में पाएगा और मछली भी जलीय, तो ये क्या हो जाएगा एक जलीय कीट का आहार श्रृंखला हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो 47 क्या होगा, 47 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, देखिए ध्यान से कह रहा है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता के विशिष्ट जो स्थल क्या है ऑप्शन एक बार देख लीजिए। तो 48 क्या होगा, 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो सदा कैसा होता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए पे। तो क्या हो जाएगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि गोले दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोले दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के क्या संबंध है, तो क्या जाएगा, चार ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई टू क्या जाता है, एफ बराबर आर बाई टू, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 3 का देख पा रहे हैं, किसी लेंस में बाहर की और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, एक बार अच्छी तरह से बोले देख लीजिए, किसी लेंस में बाहर की ओर से उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कौन सा लेंस कहेंगे, एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस तरह होता है, इस तरह का होता है, यानी ये दोनों तरफ से भरा हुआ होता है, ठीक है, यानी इधर भी उभरा होता है बीच में होता है फोकस, और इधर भी उभरा हुआ होता है और इधर भी उभरा हुआ होता है। आप लोग 10 वाला एक टॉर्च होता है, टॉर्च का आप लोग देखेंगे शीशा, तो इसी टाइप का आप लोग देखने को मिलेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 का है कि प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, कैसे गमन करती है, बड़ा अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो आसान से क्वेश्चन है क्या होगा, सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का ए जगह 4 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग
ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, तो फाइव का क्या होगा, फाइव का ऑप्शन नंबर डी जाएगा दृष्टि पटेल, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कराए, क्या कराए कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन को देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे सिक्स का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगी यानी 30,000 ओम जाएगी, क्या जाएगी ऑप्शन नंबर डी यानी 30,000 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद सेवन कराए कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से यहाँ पे, तो क्या जाएगा चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जाएगा सेवन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी यानी काला, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट कराए आवेश का मात्रक है, आवेश का इसमें से कौन सा मात्रक है, ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, तो एट का क्या होगा, एट का राइट ऑप्शन नंबर ए जाएगा यानी कूलम, आवेश का मात्रक क्या है तो कूलम हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का, काफी ईजी क्वेश्चन है और काफी यार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन कराए ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो क्वेश्चन नाइन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी नहीं ताप, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ताप जो है अचर राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद दस कराए कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध जो होगा क्या होगा, आप एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे श्रेणीकरण पूछ रहा है, तो श्रेणीक्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा 30 ओम हो जाएगा, जो कि श्रेणीक्रम में जुड़ जाता है यानी 10 और 20 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कराए कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लिया यहाँ पे, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा उपयुक्त सभी पर चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट कास्ट के सॉरी काट के क्षेत्रफल और चालक की प्रकृति यानी मतलब पदार्थ जो किस प्रकार किस पदार्थ का बना हुआ है, ये तीनों पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलाइए क्वेश्चन नंबर 12 कराए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत फ्यूज जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगी यानी उष्मीय प्रभाव पर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 कराए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी क्या परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा को किस में बदलता है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या जाएगा 13 का राइट ऑप्शन नंबर बी जाएगा ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 14 कराए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक मात्रक क्या है, एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ए और बी दोनों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, तो क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी नाभिक की ऊर्जा ये क्या है जैव मात्रा नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी बाकी यहाँ पे गोबर गैस कोयला लकड़ी ये सभी जैव मात्रा से बना हुआ ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कराए कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इसका वास्तविक स्रोत क्या है जीवाश्म ईंधन की, तो ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो 16 का क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य जो है सूर्य ऊर्जा मतलब जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संचारण जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, नहीं उपचयन अभिक्रिया, क्या होती है उपचयन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कराया कि जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के क्या कहते हैं आयनों का अनुपात जो क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे थे ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, तो 18 का क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कराया, देखिए ध्यान से कराया कि निम्न में कौन जो अवकारक है, यहाँ पे जो कौन जो अवकारक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, काफ़ी बार पूछा भी गया निम्न में कौन अवकारक है, तो राइट क्या होगा 19 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2J क्या है अवकारक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कराए कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन को देख लीजिए अभी ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी ना उष्मा क्षेपी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कराए कि इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो 21 का क्या जाएगा 21 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थ जितने भी थे सब में लगभग टार्ट्रिक अम्ल ही पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से आप लोग, कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaOH2, इसको क्या होते हैं बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह इसको देख लीजिएगा, एक बार आप लोग इस वीडियो को देखने दोबारा कंप्लीटली एक बार जरूर देखिएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 करा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 23 का ऑप्शन ऑप्शन में ए हो जाएगा NaHCO3, जिसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। चलो आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर बेकिंग सोडा जिसको हाँ सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 24 कह रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, तो 24 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी सोडियम कार्बोनेट। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए इनमें से कौन सी जो है धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन के ऊपर देख लीजिए कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोग, काफी पूछा भी जा सकता है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का होगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको पारा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए कह रहा है कि लोहे को संक्षारित होने से बचने के लिए जो एक उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है। ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से किसका लेप हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे चार ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यसद लेपन दोबारा क्या हो जाएगा, यसद लेपन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध होते हैं। ऑप्शन में एक बार अच्छी तरह देख लीजिए ध्यान से, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हाइड्रोजन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा C3H4, क्या हो जाएगा C3H4। आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो कार्बन के क्या है अपर रूप है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का डी हो जाएगी। 29 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराए कि सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए। तो यहाँ पे राइडसन की बात करेंगे 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी एल्किन कहा जाता है, क्या कहलाते हैं, एल्किन, ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कराए कि आवर्त सारणी में धातुएं जो किस ओर स्थित होती है। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सॉरी ए हो जाएगी, बाई और, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए बाई और। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, तो 32 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, नहीं 32 का यहाँ पे आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 32 का मेरे ख्याल से शायद 18 होना चाहिए, बट आप लोग हमें बता सकते हैं, बट मुझे लगता है 18 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 का कि धमनियों का कार्य है, धमनियों का कार्य क्या है, एक बार अच्छी तरह ऑप्शन देख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन, तो शायद ऑप्शन में तो आप लोग को कम दिख रहा होगा, तो ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, ना शुद्ध रक्त का वाहन करना, धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त का वाहन करना। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि धमनियों का काम शुद्ध रक्त का वाहन करना या फिर अशुद्ध रक्त का काम वाहन करना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसका ट्रिक जो है धांसु एक ट्रिक है, जिसको कह सकते हैं धांसु ट्रिक, यानी धांसु का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे धांसु अगर लिखेंगे आप लोग ये वाला धांसु, तो यहाँ पे धांसु लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग धौ से धमनी और सौ से शुद्ध यहाँ पता चलेगा, धांसु यानी शुद्ध और बचा एक सिरा, तो सिरा क्या हो जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ अगर कंफर्म कर लेते हैं तो दूसरा चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। आए क्वेश्चन नंबर 34 कराए कि कृत्रिम विक्र जो है किस क्रिया से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी अपोहन के द्वारा, क्या हो गया अपोहन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कौन सा जो यहाँ पे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आपको ये पता ही होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसको छोटी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग यहाँ पे इसकी लंबाई 6 से 7 तकरीबन माना जाता है, बट यहाँ पे पूरा कन्फर्म जो ऐसे जानेंगे तो आप लोग लगभग यहाँ पे क्या कहते हैं 7 शायद होता है, 7.5 6 या 7 होता है, ऐसे कुछ मुझे भी कंफर्म याद नहीं आता, बट 6 से 7, तो यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलाइए क्वेश्चन नंबर 36 कराए, इनमें जो किसके शरीर के इसमें से किसके शरीर का तापक्रम जो है पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। ऑप्शन को देख लीजिए एक बार ध्यान से यहाँ पे, तो 36 का क्या होगा, 36 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरीसृप, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सरीसृप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, एक बार अच्छे से ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे, तो 37 का क्या होगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मृतजीवी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कराए कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और ये जो क्रिया होती है वो कहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 39 कराए, देखिए ध्यान से कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन जो है किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ऑप्शन के ऊपर देख लीजिए यहाँ पे, तो 39 का ऑप्शन क्या होता है, 39 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी हो जाना चाहिए, मुकुलन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कन्फर्म कर सकते हैं यहाँ पे द्विखंडन हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, मुकुलन, हम मुकुलन जब तक लगा दिए, बट मुझे द्विखंडन भी लगता है कन्फ्यूज इसमें,
तो आप लोग इसमें कन्फर्म कमेंट में बता सकते हैं क्या आंसर इसका होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि शरीर का तापक्रम जो कहाँ नियंत्रित होता है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 40 का क्या होगा, 40 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यानी हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक कौन सी है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए यहाँ पे, तो 41 का क्या होगा, 41 का राइट ऑप्शन नंबर डी यानी तंत्रिका ऊतक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निषेचन के बाद बीजांड जो परिवर्तित होता है यानी किस में परिवर्तित होता है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 42 का क्या होगा, 42 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्या होगी, यानी बीज में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अलैंगिक जनन के समय जो कौन सा विभाजन होता है। तो 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि नर में बाध्याकरण को क्या कहते हैं, नर में बाध्याकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक बार देख लीजिए 44 का क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी वेलेक्टोमी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेलेक्टोमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी यानी लंबे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, चार ऑप्शन जैसे आप लोग के सामने दिया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी कन्फ्यूज वाले हैं, कहीं पर शुद्ध जल मिलेगा, कहीं पर आपको गंदा जल मिलेगा, कहीं पर आपको खारा जल मिलेगा। तो यहाँ पर तो ऐसे हम यहाँ पे शुद्ध जल ही ज़्यादा देखने को मिला है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो 46 का क्या होगा, 46 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यानी शुद्ध जल। ठीक है, तो कहीं पे गंदा जल भी मिलता है, तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म बता सकते हैं क्या आप लोग पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है, O3 से उसको दर्शाया जाता है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन 47 का क्या होगा, सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है। ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, तो 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी वन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वन। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के हमसे पहले जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी लाभ हो सके इस वीडियो का। मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।